नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। DRDO की तरफ से स्टेन और क्लर्क की काफी सारी वैकेंसी दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। लगभग टोटल पद जो निकाले गए हैं 1061 कुल पद निकाले गए हैं। यहां पे अलग अलग तरह के पद हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पे स्टेनो और क्लर्क की वैकेंसी थोड़ी हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि रहने वाली है 7 दिसंबर 2022। ध्यान रखना आपकी एज की जो गणना होगी वो 7 दिसंबर से ही होगी और 7 दिसंबर तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह आपको मिल गई हो, तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर हो जाती है। तभी एग्जाम की डेट के बारे में दोस्तों अनाउंस नहीं किया गया कि टीयर फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपको, इसमें 2 टीयर होने वाले हैं, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। वो पहला जो एग्जाम होगा आपका सीबीटी बेस होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आगे पोस्ट कितनी कितनी किस पद के लिए निकाले गए हैं पद, और फिर हम बात करेंगे आगे सिलेबस वगैरह के और अन्य चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे जो पद हैं दोस्तों पहले तो निकाले गए हैं लेवल 6 के कुछ पद हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर लेटर की कुछ भर्ती हैं जिसे हम जीटीयू कह सकते हैं। यहाँ पे मास्टर डिग्री होना जरूरी है, हिंदी या इंग्लिश के तौर पर आपके पास एक सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ट्रांसलेटर का मतलब आप समझते होंगे एसएससी से ही वैकेंसी काफी सारी यहाँ पर निकाली जाती है। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट विद हिंदी या मीडियम, मतलब एक सब्जेक्ट आपके पास हिंदी में रहा हो तब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री में आपके पास 2 सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश के रूप में रहे हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा जो मांगी गई है वो 30 साल मांगी है और ये पोस्ट जो है ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। अगले पद की बात कर लेते हैं जो कि लेवल 6 की ही रहने वाली है। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी है, इंग्लिश की जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर होते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पर होना आपके पास जरूरी है और इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है स्टेनो की वो कम से कम 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से देखी जाएगी। यहां पर भी आप 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी एससी से हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी ओबीसी एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ये भी एक ग्रुप बी की पोस्ट है। चलिए लेवल 4 की पोस्टों पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं लेवल 4 में कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए लेवल 4, लेवल 6, लेवल 2, इसका मतलब होता है ग्रेड पे का अंतर होता है ना, इनका ग्रेड पे ज्यादा होता है, ग्रुप बी ग्रुप सी। अब ये जो वैकेंसी है यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 2 पे जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और लेवल 6 पे जो वैकेंसी थी वो सारी ग्रुप बी की वैकेंसी थी। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी कुछ निकाली गई। इंग्लिश टाइपिंग की जॉब है ये, मतलब इंग्लिश आपके स्टेनो आप पे आना चाहिए। 12th पास आपसे यहाँ पे मांगा हुआ और स्किल टेस्ट में आपसे स्पीड जो मांगी गई 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी गई है। 18 से 27 साल तक के अगर आप हैं तो इसको भर सकते हो। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली, यहाँ पर भी आपको 3 साल की छूट देखने को मिलेगी अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो अब आ जाते हैं लेवल 2 की जो पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पे टाइपिंग ज्यादातर पोस्टों के लिए कंपलसरी की हुई है दोस्तों, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है ना ए और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 12th पास, यहाँ पे भी 12th पास। इसके अलावा आपसे 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए और नीचे वाले में आपसे 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। 18-27 साल अगर आपकी एज है तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितने पद आरक्षित किए गए। ये सारी ग्रुप सी की वैकेंसी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे आ जाते हैं स्टोर असिस्टेंट की। यहाँ पे भी स्टोर असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग जरूरी है। स्टोर असिस्टेंट हिंदी, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश, ये सब वैकेंसी आप यहाँ से देख रहे हैं। योग्यता लगभग 12th है सबके लिए जो कि ग्रुप लेवल 2 की वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपसे टाइपिंग 35 वर्ड कम से कम मांगी गई है ना। 30 वर्ड हिंदी में मांगी गई और 35 वर्ड इंग्लिश में मांगी गई है। 18-27 एज मांगी गई लेवल 2 की जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टाइपिंग कंपलसरी दोस्तों नहीं है, सिर्फ आपसे 12th मांगा गया। ये सिक्योरिटी असिस्टेंट ए की पोस्ट देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ और भी पद हैं दोस्तों, व्हीकल ऑपरेटर के हैं, फायर इंजीनियर के हैं, है ना, फायर इंजन ड्राइवर के हैं, फायरमैन के, तो इनके लिए आप देख लेना। सबके लिए 18-27 साल एज मांगी गई है और जिस पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं वहां पे 10th स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी 10th मतलब हाई स्कूल पास ही मांगा गया है, यहाँ से आपसे 12th और मांगा गया है, ठीक है ना। तीन पोस्टों के लिए देख लें। चलिए हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जूनियर ट्रांसलेटर की टोटल वैकेंसी 33 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड ए जो कि लेवल 6 में आ रहा था 215 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो कि ग्रुप सी की पोस्ट थी उसके लिए 123 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि हम क्लर्क कह सकते हैं इसको, इसकी भी 250 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की 12 वैकेंसी, इंग्लिश टाइपिंग की 250 है, तो ध्यान रखना दोस्तों आप। स्टोर असिस्टेंट की आपको 134 वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी।
स्टोर असिस्टेंट एक की वैकेंसी 4 है यहाँ पर, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41 वैकेंसी है, व्हीकल ऑपरेटर की आपको 145, फायर इंजीनियर ड्राइवर की 18 और फायरमैन की 86 वैकेंसी यहाँ पर आपको कुल देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं A2 B1 B2 C2 D1 है ना, इनका मतलब है शहर के नाम है। D1 मतलब दिल्ली, D2 मतलब देहरादून, H1 मतलब हिमाचल। इस तरीके से यहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जानी है, इसके कोड नीचे बताए गए हैं अच्छे से आपको। तो वैकेंसी आपको पता चल गई, योग्यता क्या है ये सब पता चल गया। चलिए देखिए वैकेंसी तो क्लर्क और स्टेनो की, लेकिन इसमें फिजिकल कंपलसरी होता है दोस्तों, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। टाइपिंग के बाद आपसे आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब देखे जाने हैं, ठीक है ना। रेस वगैरह भी यहाँ पर होगी, सब चीजें नीचे अच्छे से मेंशन की गई। चलिए इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके एग्जाम सेंटर हो जाएंगे, जहां पे भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप प्रीफ्रेंस में भर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगला जो चरण रहने वाला है हमारा, हाइट आप देख लीजिए, आपकी इतनी हाइट होनी जरूरी है, चेस्ट आपका इतना होना जरूरी है, 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 हाइट मांगी गई है, ठीक है। दो चरण होंगे, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, टीयर फर्स्ट में आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होना है ना, तो इसको देख लो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और 75 क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, मतलब 4 सब्जेक्ट में आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ठीक है ना। तो ये 80 नंबर का आएगा, ये 75 नंबर का आएगा, मैथ और रीजनिंग, 80 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा, 60 नंबर ये, 60 नंबर ये, 120 नंबर का ये आपका टोटल पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपसे स्किल टेस्ट कराया जाएगा, उसके भी कुछ नंबर रहेंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन और ऐसे आपसे कुछ कराया जाएगा, ये ग्रुप जो लेवल 6 की वैकेंसी थी उसके लिए है, 200 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पे फिजिकल वगैरह, रेस वगैरह आपसे कराई जाएगी, और आपसे जो टाइपिंग मांगी गई वही आपका लेवल 2 है, टाइपिंग, स्टेनो और फिजिकल, यही है साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्किल, फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी टेस्ट जो होगा यही आपका टीयर 2 में होना, और ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो दिया हुआ है ये ट्रांसलेशन उनके लिए है, जो लेवल 6 की वैकेंसी बताई गई है। बात क्लियर हो जाती है तो फॉर्म को दोस्तों आप अच्छे से रीड कर लेना पहले एक बार, इसके फॉर्म आपको मिल जाएगा सरकारी रियल पे जाके या फिर रोजगार रियल पे जाके इसको देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट इसका फॉर्म फिल कर दो। फीस मैंने आपको नहीं बताई, 100 रुपए फीस दोस्तों आपसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ली जानी है, 100 रुपए की फीस आपसे ली जाएगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो जाती है, फॉर्म को अच्छे से भरना, एससी एसटी महिलाओं से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, आप बहुत अच्छे से इस फॉर्म को भरिएगा और काफी आसान सिलेबस आपको ये मिलेगा देखने को। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।